समस्त मोर आंतरिक नमस्कार आपण मान प्रत्येक मोहर आउ एक वीडियो को मु स्वागत करूछि। आज मेसेज गुड फ्राइडे आज आम देखा गुड फ्राइडे वैज्ञानिक प्रमाण कौन रही अच्छे आम देखा गुड फ्राइडे प्रत्नतत्व प्रमाण कौन रही अच्छे चलत आलम्ब नक आज वीडियो को आम आरंभ कर विशेष करी मु अनुरोध करे जदि आपण ए चैनल को नूतन भाव आसी अछन्ति तबे ए चैनल को सब्सक्राइब करिने अंतु कारण अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य ए चैनल रे आपण मानकु मिलिया को परिबो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रो स्कॉलर्स माने विद्वान माने किसी विषय को से माने आविष्कार कले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विषय को नै मृत्यु भोग को नै समाने किसी विषय से आविष्कार करते जहाँ से परीक्षा निरीक्षा कर गवेषणा कर आविष्कार करते चलत प्रथम से समस्त विषय आम मैंने आलोचना कर प्रभु जीशुख्रीष्ट जो कृष बहन करते कृषर ओजन था 150 किलोग्राम आ कृषर लंबा था 15 फुट एवं कृषर ओसार था 8 फुट जीशु को जो कंटा मरा होता से कंटार ओसार था 3-4 इंच आ लंबा था 8-12 इंच आीशु उच्चता था 5 फुट 11 इंच आीशु ओजन था 85 किलोग्राम। जीशु जत कृष बहन करते से तीन थर तले पड़ जाते आीशु 17 घंटा पर्यत दूषित थे आ जीशु शरीर में 5480 क्षत थिला अर्थात 5480 घा रही थिला आ सेथि मध्यरु 150 टी गभीर क्षत थिला आ जीशु को 17 टी पत्थर मरा जाइथिला आ जीशु को शरीर रु 6 लीटर 500 ग्राम रो रक्त बहिथिला। जणे मनुष्यर शरीर रे साधारणत 6 लीटर 500 ग्राम ही रक्त रही थाए अति बेसी 6 लीटर 500 ग्राम रक्त रही थाए आ प्रभु जीशु ख्रीष्टंग शरीर रु 6 लीटर 500 ग्राम रक्त बही थिला अर्थात प्रभु जीशु तांक शरीर रु समस्त रक्त मानव जातिर उद्धार निमन्ते क्रूस उपरे बुहेइ देथिले आउ 350 सैनिक और 50 जन अश्वारोही जीशु को रास्ता रे कष्ट देथिले आउ जीहुदी मानक कैलेंडर अनुसार जीशु ख्रीष्ट निशान मास 15 तारीख रे एवं भारतीय कैलेंडर अनुसार 30 बीसी एप्रिल 7 तारीख रे मृत्यु वरण करथिले आउ जीशु को क्रूस उपरे जो INRI लेखा होइथिला इन रे लेखा हेतला तार फुल फॉर्म होची येशुस नाजरन रेक्सो इडोनियोस जीसस द नाजरन किंग ऑफ ज्यूस या कहा जाए अर्थात उड़िया रे कहिया गले ये होसंती जीहुदी मान कर राजा आउ एई समस्त विषय लूक नाम रे जो वैद्य थिले सीए एई समस्त विषय प्रमाण करथिले आउ बाइबल रे जो 4 सुसमाचार रही अच्छे माथ्यू मार्क लुक जहन से लुकंकर गोटे पुस्तक रही अच्छे आउ एई लुक वैद्य भाव काम करुथिले सही समय आउ सीए एई समस्त विषय को आविष्कार करथिले तार प्रमाण देथिले आउ जदि आमे जिसाय 53 पर्वर 4 पद देखिबा तेबे सेठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट किपर मृत्यु भोग करिबे आगामी दिन मान करे से समस्त विषय लेखा जाइथिला जहा प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे सफल हला जिसाय तार 53 पर्व तार 4 पद। आज आमे जीशु मृत्यु भोगर प्रत्नतत्व प्रमाण देखिबा वर्तमान आमे आलोचना करिबा अर्थात भूतत्वविद मानक द्वारा करा जाइथिबा विभिन्न प्रमाण आ देखिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु भोग केते दूर सत्य अटे कारण प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु भोग को अनेक विश्वास करंती नाही
अनेक स्वीकार करती ना से कहते आम को प्रमाण दियो जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट कृष उपर मरी तेबे प्रमाण दियो से कहते तेबे आज वीडियो रे वर्तमान आम आलोचना करिबा कौन कौन प्रमाण सब रही अच्छी प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु भोग को नहीं अन्य अर्थ कह जीशु मृत्यु भोग वैज्ञानिक प्रमाण आम मैंने देखा नंबर वन उन्नीस नबे मसीह एक बृहत कबरखाना पाखे जहा जीशु क्रुशविद्ध होगा स्थान पाखापाखि आई स्थान को खोदन करते खनन कार्य आरंभ है सेतेबेले सेमाने प्रथम शताब्दी जिहुदी मानकर कफिन सेमाने पाइथिले जहा 2000 वर्षर पुरुणा कफिन थिला आउ जेउ कफिन पत्थर रे बना जाइथिला आउ खनन स्थान रे 12 टी पत्थर कफिन देखिबाकु मिलिथिला आउ नंबर 2 ए 12 टी कफिन मध्यरु गुटिया कफिन प्रधान जाजक कयफांकर पुत्रंकर थिला आउ सेठारे लेखा होई थिला जोसेफ सन ऑफ काइफास सेई पथररर कफिन बाक्स निकटरे सेमाने रोमियो सैनिक मानंकर दुईटी कंटा सेमाने पाइथिले जेउ कंटा जीशुंक क्रुशविद्ध समय रे व्यवहार करा जाइथिला आ प्रधान जाजक कयफा आउ ये प्रभु जीशु ख्रीष्ण मृत्यु भगर मध्य जने प्रमाणदाता अटंती तांको विषय देखा गले प्रभु जीशु ख्रीष्ण मृत्यु भोग समय रे से मध्य थिले जहाँ कि बाइबल प्रमाण दिए जहाँ कि इतिहास मध्य प्रमाण दिए नंबर 3 पर्वत पार्श्वर जीशु को मरा जाइथिबा कंटा को आविष्कार करा जाइथिला जहा प्रमाण दिए जे जीशु को कंटा मारी क्रुशविद्ध करा जाइथिला नंबर 4 खनन कार्यर सुगंधित तैलर बोतल आविष्कार करा जाइथिला जहा अत्यंत दामी जिनस थिला जेउं बोतल नै स्त्री लोक माने जीशु शरीर को तैल मखाइबा कबर निकट को जाइथिले ये हूँ सही सुगंधित तैलर बोतल जहा कि आविष्कार करा जाइथिला आउ नंबर 5 रोमान कबर निकट रोमियो मुद्रा आविष्कार करा जाइथिला जेउ मुद्रा रे इस्करियोत जिहुदा जीशु को धरे देइथिला तेनु ए समस्त विषय आमान को एहा प्रमाण करे जे प्रमाण दिए जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रुश उपरे बलिदान हेथिले आउ ए समस्त खनन कार्य जेरुसलम निकट रे ही आरंभ करा जाइथिला तेनु ये समस्त विषय रहिला प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रुशिय मृत्यु भोगर प्रमाण तेनु अनेक कहंती जे जीशु मृत्यु होइना किंतु यही सब प्रमाण गुड़िक प्रमाण दिए जे यही समस्त विषय प्रमाण करे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मृत्यु भोग भोगिबाकु पड़ीथिला आउ यही समस्त विषय प्रमाण दिए जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पापी मानक पई जगत को आसीथिले जोहन तार 3 पर्वर 16 पद प्राय आपण माने समस्त जानिथिबे कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही तांकठारे विश्वास करे से विनष्ट न होइ अनंत जीवन प्राप्त हुए पुरातन नियम रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु भोग को नहीं जो भविष्य बाणी गुड़िक कर से समस्त विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट सफल होता प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म ठार आरंभ कर मृत्यु पर्यंत तांकर सेवा कार्य पर्यंत ए समस्त जीशुंकर जीवनी आमान को प्रमाण दिए जहाँ कि पुरातन नियम रे भविष्य वक्ता माने भाववाणी करथिले आ से भविष्य वक्ता मानक मध्यरु जिसाय भविष्य वक्ता सर्वाधिक जीशुंक विषय रे भविष्य वाणी करथिले जे त्राणकर्ता जन्म हेबे
ଆଉ ଯିଏ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ସେ କୃଷ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଯିବ, ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେବେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରହାରରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତେବେ ତାହା ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତିକି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା ପରେ, କଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା ପରେ, ଏତେ ଓଜନ କୃଷକୁ ନେଇ 150 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ କୃଷକୁ ନେଇ ଗୋଲଗୋତା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ପୁଣି ଖରା ଦିନ ଆଉ ସେ 17 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃଷିତ ରହିଥିଲେ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ କୃଷକୁ ନିଜେ ବହନ କରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପୁଣି ସାରା ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନରକଗାମୀ ହେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଲେ, ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ, ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ବଳିଦାନର ପ୍ରଥା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ ବଳିଦାନର ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆଉ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷକୁ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ମୋ ନିମନ୍ତେ ବହିଥିଲା, ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ବହିଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ମୋର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛି, ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।